डिडवाना के विद्युत निगमों के कार्मिकों के लिए पुरानी पेंशन योजना को राज्य सरकार के कर्मचारियों के तर्ज पर किसी प्रकार का भुगतान लिए बिना लागू करने पर हड़ताल जारी है। वहीं इंटर डिस्कॉम ट्रांसफर नीति बनवाने सहित एसोसिएशन के 13 सूत्री मांग पत्र का निस्तारण करवाने हेतु 22 जून को एसोसिएशन के बैनर तले विद्युत भवन जयपुर के समक्ष विद्युत कार्मिकों के द्वारा ऊर्जा सचिव के साथ सचिवालय में एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल की एक मीटिंग हुई। मीटिंग में बिजली कार्मिकों के लिए ओपीएस को राज्य सरकार के कार्मिकों की तर्ज पर बिना भुगतान लिए लागू करने सहित समस्त मांगों पर उच्च स्तर पर शीघ्रता से निर्णय करा समाधान कराने का आश्वासन दिया गया था। ओपीएस मेन हमारी मुख्य मांग है और तकनीकी कर्मचारी पूरे राजस्थान में हड़ताल पर है। 21 तारीख से हम जयपुर जगतपुरा में हड़ताल पे बैठे हैं और कनिष्क अभियंता भी हमारे साथ है ओपीएस में और उनकी ग्रेड पे के लिए 4800 के लिए वो भी जैन भी हमारे साथ है। कनिष्क अभियंता भी जयपुर धरने हड़ताल पर बैठे हैं और ऑफिस का सारा कामकाज ठप पड़ा है। इसके लिए हम कंज्यूमरों से भी माफ़ी मांगते हैं, इनको किसी से परेशान करना नहीं चाहते इनको, लेकिन हमारी ये वाजिब मांग है जो गहलोत सरकार ने अभी तक लंबित कर रखी है। जो हमारी जल्द से जल्द मांग पूरी हो, हम यही जनता से अशोक गहलोत से आशा करते हैं।